Welcome to my channel, which is Simple Learning, and today we will study class 6 history chapter name Jainism and Buddhism. तो student इस chapter की theme है महावीर and बुद्धा great preachers. तो class history के chapter शुरू करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो great preachers. Preachers का मतलब होता है student जो उपदेश देते हैं, यानी कि बहुत बड़े उपदेश सकते हैं ये. जो रिलीजन है अर्ली वैदिक पीरियड का वो बेस्ड है नेचर वर्शिप से, यानी कि जो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा उस टाइम लोग नेचर की वर्शिप करते थे, यानी कि प्रकृति की पूजा करते थे. वो बहुत ही सिंपल था और उसको फॉलो करना भी बहुत ही सिंपल था. अब जैसे जैसे जो लेटर वैदिक पीरियड है वो उसका एंड हुआ, उसके एंड होने से पहले यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के खत्म होने से पहले जो रिलीजन है वो कॉम्प्लेक्स बन गया और डिफिकल्ट बन गया. मैनी इविल कस्टम्स क्रेप्ट इनटू सोसाइटी. बहुत ही ज्यादा इविल कस्टम यानी कि जो बुरे रीति रिवाज हैं वो सोसाइटी में आ गए. किस नाम से? रिलीजन के नेम से. कॉस्टली सैक्रिफाइसेस, जो बलि दी जाती थी वो बहुत ही कॉस्टली यानी कि उसमें बहुत ही पैसे खर्च किए जाते थे. सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास. और क्या हुआ उसके बाद? ये एक्सपेंड हुआ. और मीनिंगलेस रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाज जिनका कोई मतलब नहीं था, इन्होंने ये सिंप्लिसिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया. और अपील किया किसका? किसकी अपील? ओरिजिनल रिलीजन की अपील. जो वैदिक टेक्स्टों को लिखा गया संस्कृत में, जो क्या है कॉमन पीपल अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे, यानी कि आम लोग. जो ब्राह्मण थे वो एक्सप्लेन करते थे टेक्स्ट को इस मैनर में कि वो अपनी पावर, वेल्थ और स्टेटस को इंक्रीज कर पाए. मतलब जैसे कि जो ब्राह्मण थे अगर वो इन टेक्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो वो ये मानते थे कि उनकी अपनी एक पावर, वेल्थ और स्टेटस है. जो राइट्स और रिचुअल्स थे यानी कि रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, उनको उनके थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता था. और इस वजह से कॉमन पीपल का शोषण हो रहा था, क्योंकि एक तो वो लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे, ऊपर से जो पंडित हैं वो क्या करते थे अपनी वेल्थ पावर का क्या करते थे पूरा यूज करते थे. तो इसलिए उनके लिए ये थोड़ा क्या था, प्रॉब्लमेटिक था. रिलीजन बिकेम एक्सपेंसिव, जो धर्म है अब वो क्या हो गया, महंगा हो गया. एंड ऑपरेसिव, ऑपरेसिव का मतलब जिसको आराम से क्या किया जा सकता है, सप्रेस किया जा सकता है. जो कास्ट सिस्टम है वो स्ट्रिक्ट हो गया था. जो लोअर कास्ट है जैसे कि शूद्रास, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे थे और एक तरफ से समाज से अलग किए जा रहे थे. उनको मना किया गया कि वो स्टडी नहीं कर सकते रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को, और उनको अलाउ नहीं किया जाता था जो संस्कृत के मंत्र है उनको सुनने को. जो दो ग्रेट टीचर्स हैं वो हैं वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध. ये इस टाइम पे जन्मे 6th century BC पे, और ये दोनों ने स्टार्ट किया रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि सुधार वाला कोई आंदोलन, जिसका रिएक्शन था इन ये भी जो समाज में इविल प्रैक्टिसेस चल रही थी इन द नेम ऑफ रिलीजन. एंड इन्होंने इसको क्या किया, सोसाइटी में जो भी चल रहा था रिलीजन के नाम पे, ठीक है, इसको सुधारना चाहा, रिफॉर्म करना चाहा. जो उनकी टीचिंग्स है उसकी वजह से जो इमरजेंस हुआ टू रिलीजियस सेक्ट्स का, तो जो दो अलग अलग धर्म बने वो हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म. अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट सबसे पहले जैनिज्म के बारे में, जो फाउंड किया वर्धमान महावीरा ने. तो जो अर्ली लाइफ थी उनकी वो क्या थी? वर्धमान महावीरा रिगार्ड किया जाता है उनको क्या कि वो जैनिज्म के टीचर हैं. जो महावीरा है वो 24th और लास्ट तीर्थंकर टीचर थे. किसके? जैन्स के. तो जो महावीरा है स्टूडेंट यानी कि लॉर्ड महावीरा, वो 24th और लास्ट तीर्थंकर यानी कि टीचर थे जैन के. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा कि जो जैनिज्म है उसको किसने क्या किया, शुरू किया, जो जैनिज्म रिलीजन है. और जो तीर्थंकर है वो एक रिलीजियस टीचर थे जैनिज्म के, जिन्होंने महावीर से पहले क्या किया, इसको ये जो रिलीजन वगैरह थे इन अपनी टीचिंग्स की इसमें उपदेश दिए महावीरा से पहले. तो ये 24th से तीर्थंकर थे. वो बॉर्न हुए 540 BC में कुंडग्राम में, जो वैशाली के नजदीक है. वो एक क्षत्रिय प्रिंस थे और उन्होंने अपनी लाइफ यानी कि जो लग्जरी और कम्फर्ट वाली लाइफ थी उसको छोड़ दिया. और 30 की एज में, जब वो 30 ईयर के थे, तो उन्होंने अपना घर को छोड़ दिया सच की तलाश को करने के लिए. और एक एस्केटिक का मतलब साधु संत बन गए, जो क्या करते हैं वर्ल्डली प्लेजर से दूर रहते हैं, जिनको सांसारिक चीजों से कोई मोह नहीं होता है. स्टैच्यू ऑफ वर्धमान महावीरा, यहाँ पे वर्धमान महावीरा की पिक दे रखी है एक गुफा में, जो एलोरा में एक गुफा है औरंगाबाद के नजदीक में. अब जो सर्च था इनका टूट का, जो महावीरा है वो प्लेस से दूसरे प्लेस सत्य की तलाश में घूमते रहे. और 12 इयर्स लगभग उनको लगे शांति को अटेंड करने में, मेडिटेशन को अटेंड करने में, ध्यान को अटेंड करने में, और उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज को, आत्मज्ञान को पाया. जो महावीरा है वो क्या है, एक जीना बने, जिसको बोला गया कॉन्करेंस ऑफ सेल्फ, यानी कि अपने में
करना, अपने को जीत लेना। अपने को जीत लेना का मतलब होता है जो अपनी इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स वगैरह हैं, उन सबको क्या कर देना, सेक्रीफाइस कर देना, यानी कि उन सबको एक तरफ से लेफ्ट छोड़ देना, गिव अप कर देना। और जो उनके फॉलोवर्स थे उनको बोला गया जैनिज्म। तो जीना किसको, जीना कौन बने, महावीर बने, जिसका मतलब था कॉन्करर ऑफ सेल्फ। अब हम पढ़ेंगे जो टीचिंग्स थी महावीर की। सबसे पहले थी अहिंसा, यानी कि जिसको बोला जाता है नॉन वायलेंस। ये एक सबसे पहली टीचिंग थी महावीरा की। उन्होंने ये उपदेश दिए कि कोई भी किसी को हार्म ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए, किसी लिविंग क्रिएचर को, इंसेक्ट को भी नहीं, प्लांट्स को भी नहीं। सेक्रीफाइसेस, यज्ञास एंड रिचुअल्स क्या थे, जो महावीरा है वो एक्सेप्ट नहीं करते थे वेदास को, और जो भी रिलीजियस राइट्स और रिचुअल्स हैं उनको अपोज करते थे, यानी कि उनको नहीं मानते थे। जो कास्ट सिस्टम है, जो महावीरा है वो बिलीव करते थे कि सारे लोग क्या है, बराबर हैं, और वो पीपल को डिवाइड करने में, यानी कि जो अलग अलग कास्ट बनी थी लेदर लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में, हमने पढ़ा था जो शूद्रास, क्षत्रियास, ब्राह्मणास, वैश्यास, ये जो कास्ट सिस्टम था, तो वो इसमें बिलीव नहीं करते थे। जो गॉड है वो महावीरा, जो बिलीव नहीं करते थे एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड में, यानी कि ये नहीं मानते थे कि जो गॉड का एक्जिस्टेंस है वो है, यानी कि गॉड का अस्तित्व है, इस पे ये बिलीव नहीं करते थे। अब हम पढ़ेंगे कर्मा और रिबर्थ के बारे में। जो आत्मा होती है पर्सन की, वो फिर से जन्म लेती है, यानी कि फिर से बॉर्न होती है अगेन एंड अगेन अपने कर्म और एक्शन की वजह से। जो हाईएस्ट गोल होना चाहिए हम सबका, वो होना चाहिए मोक्ष को अटेंड करने का, यानी कि हमें मोक्ष का मतलब होता है फ्री हो जाएं किसकी साइकिल से, बर्थ और रिबर्थ, यानी कि फिर से मरेंगे तो जन्म लेंगे, फिर जन्म लेने के बाद फिर से मरेंगे। तो ये एक साइकिल थी डेथ और लाइफ की। जो मोक्ष है वो अचीव होगा त्रिरत्न से, यानी कि थ्री ज्वेल्स किसके, जैनिज्म के। तो वो थ्री ज्वेल्स थे राइट नॉलेज, यानी कि सही ज्ञान, राइट बिलीफ, यानी कि सही विश्वास, राइट कंडक्ट का मतलब सही से चले, जिसका मतलब था जो प्रैक्टिस थी अहिंसा और हार्ड पेनेंस की। तो हार्ड पेनेंस का मतलब जो अपनी पूरी डिजायर्स पे क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, और ऐसा ऐसा अपनी लाइफ क्या रहे जिएगा, उस वे में जिएगा। कर्म एंड रिबर्थ, ये तो हमने पढ़ दिया था। सब्जेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, जो जैनिज्म के सब्जेक्ट थे वो क्या थे। जो महावीरा है वो 72 की एज में डेथ हो गई उनकी, और उनके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स थे। उनके जो फॉलोवर्स थे उनमें बिंबसार और अजातशत्रु, ये जो किंग थे ये भी थे, और रूलर थे मगध के भी, वो भी मगध के भी रूलर उनके फॉलोवर्स थे। उनकी डेथ के बाद जो जैनिज्म में वो टू सेक्ट में डिवाइड हुआ, दिगंबराज और श्वेतंबराज। जो दिगंबराज है उसका मतलब है सराय स्काई क्लैड, यानी कि वो कोई भी क्लोथ नहीं पहनते थे और फॉलो करते थे, जो टीचिंग है महावीरा की उनको फॉलो करते थे। तो ये हो गए इस वाले वंश के, यानी कि ये जो इनका अलग हो गया था ग्रुप। जो श्वेतंबराज है यानी कि व्हाइट क्लैड वे, जो क्या पहनते थे, व्हाइट क्लोथ पहनते थे और बिलीव नहीं करते थे हार्ड फिनेंस में। जो जैन मोंग थे वो लिव्ड, यानी कि रहते थे और वर्क करते थे मोनेस्ट्रीज में, जिसको एस्टेब्लिश किया महावीरा ने, और वो मदद करते थे जैनिज्म को स्प्रेड करने के लिए पूरे देश में। जो वो उपदेश देते थे अपनी लैंग्वेज प्राकृत में, और जो लैंग्वेज थी वहां के कॉमन पीपल की, इसलिए वो आसानी से उनके उपदेशों को समझ जाते थे। बहुत सारे किंग ने एडॉप्ट किया जैनिज्म को अपना स्टेट रिलीजन, जैसे जैन आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर। इस एज में उनके क्या थे, ये भक्त टाइप के थे, यानी कि आर्किटेक्चर और लिटरेचर में भी इस रिलीजन को देखा गया। जो दिलवाला टेम्पल है माउंट आबू यानी कि राजस्थान में, इसका एक फाइन एग्जाम्पल है जैन आर्किटेक्चर का। जो रिलीजियस लिटरेचर है जैन का वो फाउंड किया गया पूर्वाज में और अंगाज में। जो जैनिज्म है वो एक लार्ज फॉलोइंग है उसकी, किसके बीच में, जो ट्रेडिंग क्लासेस है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के। यहाँ पे हमें पिक दे रही है स्टूडेंट दिलवाड़ा टेम्पल की, जो माउंट आबू में है, विद इट्स इंट्रिकेट कार्विंग। इसमें कार्व का मतलब कुरेद करके लिखना, और ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स है, भी एक फाइन एग्जांपल है जैन आर्किटेक्चर का, जो कहाँ है, दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में। अब हम पढ़ेंगे दूसरा रिलीजन। अभी हमने पढ़ा जैनिज्म, ठीक है, हमने पढ़ा महावीरा के बारे में, जो 24th थे तीर्थंकरा। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म, यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में, जो फाउंडर है इस रिलीजन के। अर्ली लाइफ, यानी कि जो सिद्धार्थ जिनको बोला गया गौतम बुद्ध, तो सिद्धार्थ उनका नाम था, वो लुम्बिनी में बॉर्न हुए, जो कपिल वस्तु के नजदीक में है 567 BC में। जो सिद्धार्थ है वो किस वाले उससे थे, क्षत्रिय वंश से थे, ठीक है, वो एक राजा थे। उनको वो किससे सराउंडेड थे, यानी कि उनके पास क्या था, पूरा सुख वगैरह ये चीजें थी, रॉयल लाइफ थी उनकी, जिनको सब फैसिलिटी मिली। ही वॉज मैरिड टू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस यशोधरा, उनकी शादी भी रानी से यशोधरा से, और उनका जो बेटा उनका उसका नाम था राहुल। एक हैप्पी फैमिली लाइफ थी इनकी, और लग्जरीज थी, यानी कि महल में रहते थे तो सारी चीजें मिलती थी इनको जो चाहिए था, पर वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं थे, और वो उससे क्या रहते थे, दूर दूर रहते थे, यानी कि उनको उससे
बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होती थी जो भी उनकी रॉयल लाइफ थी। अब सर्च ऑफ ट्रूथ यानी कि सत्य की तलाश में ये भी गए, सच की तलाश में। जो फोर ग्रेट साइट्स हैं उन्होंने प्रूव किया, टर्निंग पॉइंट सिद्धार्थ की लाइफ में। फोर ग्रेट साइट उन्होंने क्या क्या देखा, मतलब ये माना जाता है कि जब वो जा रहे थे कैरियट यानी कि रथ से जा रहे थे, उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा और एक मरा हुआ आदमी देखा। ये जो तीन साइड थी इसने उनको बहुत दुखी किया, उनको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया। इस बात को देख के वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गए थे, इन साइड्स को देख के, इन दृश्य को देख के। उसके बाद उन्होंने देखा एक साधु को जो बिल्कुल ही शांत है और सौरो और माइजरी अराउंड हिम, और उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, सुख दुख का जो भी है, मतलब जो गरीबी है उसकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो सिद्धार्थ है उन्होंने डिसाइड किया, जो पूरी वर्ल्डली टाइज है उनको सोचा समझा और फिर उसके बाद इन आंसर की खोज में, यानी कि उन्होंने पहले देखा कि ये चीज क्यों हो रही है, कोई बहुत ही परेशान है, किसी को बिल्कुल भी क्या है नहीं है, ये जो स्टेप है लाइफ का, ये जो डेथ है तो ये क्या है, मतलब इसका वो आंसर चाहते थे। तो इस अपने आंसर की सर्च में वो जो मिस्ट्रीज है, रहस्य है लाइफ और डेथ का, इसको तलाशने के लिए तो उनको क्या करना पड़ा, उन्होंने भी अपना क्या कर दिया, घर छोड़ दिया था। एक रात को जब वो 29 ईयर के थे, उनकी सन और वाइफ सो रही थी और वो क्या हो गए, धीरे से उस हाउस को छोड़ के चले गए। उन्होंने जितने भी वर्ल्डली टाइज यानी कि संसार की जो बंधन है उन सबको तोड़ के वो एक एस्केटिक बन गए। एस्केटिक मतलब होता है स्टूडेंट वही साधु, मतलब जिसको किसी से भी कोई वर्ल्डली डिसाइड से कोई मतलब नहीं होता है, जिनकी अलग ही जो क्या करते हैं इनसे दूर रहते हैं, जो प्लेजर्स हैं इनसे दूर रहते हैं और अपनी लाइफ सिंपल जीते हैं। 6 साल तक जो सिद्धार्थ है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रुथ की सर्च में घूमते रहे। एक दिन वो पीपल ट्री के नीचे बैठे जो बोध गया में है और उन्होंने मेडिटेट यानी कि ध्यान किया। फिर 49 डे को उनको क्या हुआ, ट्रू लाइट डॉन ऑन ऑन हिम, उन पे क्या पड़ी, एक ट्रू लाइट पड़ी यानी कि सत्य की जो रोशनी है वो मिली उनको। ही बिकेम द बुद्ध, वो बुद्ध बन गए फिर, जिसको बोला गया एनलाइटेड वन, जो यानी कि जिनमें क्या है, ज्ञान की चमक है। ही हैड एट लास्ट फाउंड द कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग, और अब उनको जो ह्यूमन सफरिंग का रीजन था वो मिल गया था, जिसको वो जिसके आंसर वो फाउंड आउट कर रहे थे तब से। और फिर उनको ऐसा भी मिल गया, इसका सॉल्यूशन मिल गया कि इन सबसे बाहर कैसे आना, मतलब जो भी हमारी लाइफ में सफरिंग है, हमारी लाइफ में सैडनेस है, उससे बाहर कैसे आना है। फ्रॉम गया बुद्ध वेंट टू डेयर पार्क इन सारनाथ, और जो गया से जो बुद्ध है वो कहाँ गए, वहां से डियर पार्क गए जो सारनाथ में, और उन्होंने वहां पे अपना पहला उपदेश दिया। फॉर द नेक्स्ट 45 ईयर्स, अब अगले 45 साल तक वो मूव हुए एक जगह से दूसरी जगह और उन्होंने उपदेश दिए, सिंपल मैसेज दिया लोगों को। और कुशीनगर में उनकी 80 जब वो एज 80 उनकी एज थी यानी कि 80 ईयर्स के थे वो जब उनकी डेथ हो गई। और इससे पहले उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्या बताया, बुद्धिज्म धर्म के बारे में बताया। जो पीपल ट्री गया में, जिसको बोधि ट्री भी बोला जाता है, जिसमें कि जो बुद्ध है ये माना जाता है कि उन्हें यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो यहाँ पे ये पिक दे रखी है। अब हम पढ़ेंगे जो टीचिंग है बुद्ध की। जो बुद्धास रिलीजियस फिलोसफी है उसको बोला गया बुद्धिज्म, जो उनकी रिलीजियस फिलोसफी है इसको बोला गया मिडिल पाथ। क्यों? क्योंकि ये अवॉइड करता है एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी ऑफ जैनिज्म, यानी कि जो जैनिज्म की जो भी बातें थी उनको अवॉइड करता है, यानी कि जो भी उसमें था, एज वेल एज द एक्सट्रीम ऑफ रिचुअलिस्टिक हिंदुइज्म, और जो रिचुअलिस्टिक हिंदुइज्म की रस्में है उसको भी। जो मेन प्रिंसिपल है बुद्धिज्म का वो है फोर नोबल ट्रूथ और एट फोल्ड पाथ, जिसको बोला जाता है अष्टांगिका मार्ग, किसको, एट फोल्ड पाथ को। और ये थे उनके जो प्रिंसिपल थे वो इस पे बेस्ड थे, यानी कि सिद्धांत थे। जो फोर नोबल ट्रूथ थे वो थे जो हमारा संसार है वो सफरिंग से है फुल हो रखा है, यानी कि उसमें जो सुख दुख है ये आते ही रहेंगे, इनसे ही भरा पड़ा है पूरा संसार, और इसकी वजह है ह्यूमन की डिजायर यानी कि हमारी इच्छाएं, इसी वजह से हम क्या है, दुखी हैं। जो सफरिंग है उसको एंड किया जा सकता है जब हम अपनी डिजायर पे जीत पा लें, इनको हम क्या करें, कम करें, इनको हम कंट्रोल कर लें खुद ही। जो डिजायर है उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ डेथ और रिबर्थ से, यानी कि मरना जीना और फिर से जन्म लेना, इसको हम निर्वाण के थ्रू अचीव कर सकते हैं। जो एट फोल्ड पाथ है वो लीड करते हैं निर्वाण को, और ये जो एट फोल्ड पाथ है जिनसे हम निर्वाण अचीव कर पाएंगे वो क्या है, राइट बिलीव, सही विश्वास, सही थॉट यानी कि सही सोच, जो हम बोले वो सही बोले, हमारे जो एक्शन काम हो वो सही हो, और हम जिस तरीके से रहें वो भी सही हो, और हमारा एफर्ट भी राइट हो, हमारी मेमोरी भी सही हो, और हमारा मेडिटेशन भी सही हो, ऐसे हम अटेन कर सकते हैं निर्वाण को। जो एट फोल्ड पाथ है वो आपको यहाँ चार्ट बना के
डे भी रखा है यहाँ पे, राइट बिलीव, राइट थॉट, राइट स्पीच, ये आप ध्यान रख सकते हो। जो अहिंसा है यानी कि नॉन वायलेंस, बुद्ध प्रीज अहिंसा और नॉन वायलेंस, ही कंडेम एनिमल सेक्रीफाइसेस, उन्होंने मना किया कि जो एनिमल की, जो जानवर की बलि है उसको नहीं देना है। अहिंसा पिकर्म, जो पीपल्स के एक्शन है वो डिसाइड करते हैं उनकी डेस्टिनी, यानी कि जो हम काम करेंगे हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी मंजिल पाएंगे। हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं और हमें कामों के लिए रिवार्ड दिया जाता है, और जो हमारे बुरे काम है उनके लिए हमें पनिशमेंट भी मिलता है, यानी कि सजा। निर्वाण, जो पर्सन का, हम सबका अल्टीमेट गोल होना चाहिए लाइफ का, वो अटेन होना चाहिए, निर्वाण को हमें अटेन करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। हमें बर्थ और डेथ की साइकिल से एस्केप मिल सकता है इससे, यानी कि हम बच सकते हैं इससे। ये जो स्टेट ऑफ ब्लिस, यानी कि ये जो ब्लिस का स्टेट है, उसको अचीव किया जा सकता है एटफोल्ड पाथ से, यानी कि जो भी हम भगवान का आशीर्वाद पाके हम इस साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से ऐसे हम क्या कर सकते हैं, छूट सकते हैं, हम इनमें नहीं पढ़ सकते फिर से। कास्ट सिस्टम, यानी कि जो बुद्ध है वो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, यानी कि अपोज करते हैं कास्ट सिस्टम को, और सब लोगों को प्रीच करते हैं कि वो सब बराबर है, कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं है, सब उनके लिए बराबर थे, बुद्धिस्ट में ये कहा गया है। जो गॉड है यानी कि जो बुद्ध है वो साइलेंट है, किस पे, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। ही स्ट्रेस मॉरल वैल्यू, वो क्या करते हैं ये तो नहीं बताते कि गॉड है कि नहीं है, पर स्ट्रेस करते हैं मॉरल वैल्यूज को, जैसे कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, नॉन वायलेंस, ओबीडियंस और रिस्पेक्ट होना चाहिए बड़ों के लिए, और दयालु होना चाहिए सभी लिविंग बींग के लिए। स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धि, जो बुद्धा है वो प्रीच हुआ, यानी कि उन्होंने जो भी उपदेश दिए पाली लैंग्वेज में दिए, जो कॉमन पीपल अंडरस्टैंड कर सकते थे इजिली। जो जैनिज्म था वो किसमें था, प्राकृत लैंग्वेज में, और बुद्ध जो इसके जो प्रवचन दिए गए वो पाली लैंग्वेज में दिए गए। जो सिंप्लिसिटी थी उनकी टीचिंग्स की, और जो प्रिंसिपल थे उनके इक्वालिटी के, वो अपील करते हैं लोगों को, स्पेशल ट्रेडर्स को। जो बुद्धिज्म है वो स्प्रेड हुआ पूरे इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में भी, जैसे चाइना, जापान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, आप यहाँ भी अभी भी देखते हैं। ही एस्टेब्लिश मोनेस्ट्रीज, उन्होंने मोनेस्ट्री बनाई, और एन ऑर्डर ऑफ मॉन्क कॉल्ड द संघा, और ऑर्डर ऑफ मॉन्क यानी कि भिक्षु का जो ऑर्डर वो बनाया, संघ बोला जिसे गया। ये जो मोनिस्ट्रीज थी, ये सेंटर थी एजुकेशन और लर्निंग की। जो बुद्धिस्ट है वो दूर दूर तक फैला, और बहुत ही ज्यादा फैला, किसके थ्रू, मॉन्क और नन यानी कि भिक्षु और भिक्षुणी के थ्रू। जो रॉयल पेट्रोनेज है किंग की, जैसे कि अशोका, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, जैसे कि जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जैसे कि नालंदा बनाई गई, और रॉयल पेट्रोनेज यानी कि इसको किसने अपनाया, जैसे आपने देखा जो किंग अशोका है तो उन्होंने भी इस बुद्धिस्म रिलीजन को क्या किया था, एडॉप्ट किया था, और ये इंपॉर्टेंट रीजन थे रैपिड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि इतना फैल गया था। जो ड्यून्स है नालंदा यूनिवर्सिटी के, ठीक है, जो ये बताते हैं बुद्धिस्ट लर्निंग, यानी कि यहाँ बुद्धिस्म जो रिलीजन है वो पढ़ाया जाता था। जैसे बुद्धिस्म है, जैसे जैनिज्म की तरह वो डिवाइड हुआ सेक्ट्स में, हीनयान और महायान। तो जैनिज्म किसमें हुआ था, दिगंबरा और श्वेतांबरा में, बुद्धिज्म हुआ सीना हीनयान और महायान में। जो हीनयान बुद्धिस्म बुद्धिस्त थे वो कंसिडर करते हैं खुद को कि बुद्धा एज अ टीचर, यानी कि जो बुद्ध है वो एक उपदेशक है। जो महायान बुद्धिस्ट है वो रिवर्ट करते हैं रिचुअलिज्म को, यानी कि रीति रिवाज को, और वर्शिप करते हैं बुद्धा को भगवान की तरह। और ये जो हीनयान है वो करते हैं बुद्ध को उपदेश की तरह, उपदेशक की तरह, यानी कि जो उपदेश देते हैं। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, डिड यू नो, जो बुद्ध के फॉलोवर थे उन्होंने ज्वाइन किया संघ को, जो एक कम्युनिटी बुद्धिस्ट की, जो क्या बने, मॉन्क बने, और उन्होंने फॉलो किया बुद्ध टीचिंग को। जो संघ है उन्होंने स्प्रेड किया टीचिंग बुद्ध को, बुद्ध की जो भी टीचिंग थे वो बहुत किंगडम में स्प्रेड किए। जो मॉन्क थे उन्होंने पाली लैंग्वेज बोली, जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, और वो किस में रहते थे, विहारास और मॉनेस्ट्रीज में, कौन, मॉन्क। तो ऐसे हमने देखा कि जो संघ और मॉन्क है उन्होंने कैसे स्प्रेड किया इस रिलीजन को। बुद्धिज्म इंस्पायर्ड आर्टिस्ट, यानी कि बुद्धिज्म है उन्होंने इंस्पायर किया आर्टिस्ट आर्किटेक्ट्स को अचीव करने के लिए ग्रेट हाइट्स, किसकी, कल्चरल एक्सीलेंस की, और इन्होंने ये भी मदद की डेवलपमेंट की बुद्धिस्ट लिटरेचर की डेवलपमेंट की। जो रिलीजियस लिटरेचर है बुद्धिस्ट का ये कंटेन है, यानी कि ये किसमें मिलता है, त्रिपिटकास और चाटकास में, ये रिलीजियस लिटरेचर है बुद्धिस्ट का जिसका नाम है त्रिपिटकास और चाटकास। एक स्टोन रिलीफ कार्विंग जो कुषाण पीरियड से मिला है वो बताता है कि जो बुद्ध है वो सीट है किसके नीचे बैठे हैं, बोधि ट्री के नीचे बैठे हैं, और उनकी पूजा कौन कर रहे हैं, उनके डिसिपल यानी कि शिष्य और उनके फॉलोवर्स। अब हम पढ़ेंगे जो बुद्धिज्म है रिलीजन वो डिक्लाइन कैसे हुआ। जो बुद्धिज्म है वो डिक्लाइन हुआ इंडिया में इन रीजंस की वजह से। जो हिंदुइज्म था वो क्या होने लगा, रिफॉर्म्ड होने लगा, यानी कि उसमें सुधार आने लगा और वो प्यूरिफाइड होने लगा। जो गुप्ता किंग है उन्होंने पैट्रोनाइज, यानी कि वो किसके भक्त बने, हिंदुइज्म रिलीजन के। और इंडिया इन्वेड हुआ जब हूंस के थ्रू, यानी कि यहाँ आक्रमण किया जब हूंस ने, तो उन्होंने बुद्धिस्ट विहारस को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो बुद्धिज्म है वो धीरे धीरे वाइप आउट होता गया, यानी कि हटता गया इंडिया से, और इसने वाइड एसेप्टेंस यानी कि जगह कहाँ बनाई, इंडिया के बाहर,
और कंटिन्यूज रहा ये मेन रिलीजन मिलियंस ऑफ पीपल का, कहाँ साउथ ईस्ट एशिया, तिब्बत, चाइना और जापान में, तो इंडिया से हटा और बाहर कंट्रीज में इस रिलीजन को फॉलो किया गया। अब हम पढ़ते हैं जो स्टडी है डिफ किसके बीच में, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच में क्या सिमिलरिटीज थी। जो महावीर और बुद्ध हैं जो दोनों ने स्टार्ट किया अपने रिफॉर्म मूवमेंट, किसके रिएक्शन के थ्रू, यानी कि इन्होंने किसको आंसर दिया, इविल प्रैक्टिसेस होती थी जो, तो ये रिफॉर्म मूवमेंट था कब, जब समाज में इविल प्रैक्टिसेस होती थी, जब बलि दी जाती थी, जो पंडित हैं केवल वो संस्कृत समझ पाते थे और उसकी वजह से जो कॉमन पीपुल है उनके पास उनको क्या करना पड़ता था, ज्यादा खर्चा करना पड़ता था, तो इस वजह से दोनों रिलीजन का ओरिजन हुआ। जो उपनिषद से वो सोचते हैं उनके आइडियाज के, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट और आइडिया एक जैसे थे, जो वर्ल्ड है वो मिजरी से यानी कि दुख से भरा पड़ा है, उनको क्या है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, वो फेस कर रहे हैं किसको, सफरिंग को, प्रॉब्लम को। जो पर्सन है वो अगेन एंड अगेन बॉर्न होता है अपनी कर्म की वजह से। जो हाईएस्ट गोल होना चाहिए पर्सन की लाइफ का वो होना चाहिए मोक्ष, यानी कि ये जो साइकिल है बर्थ और रिबर्थ, यानी कि मरना फिर जीना, फिर जीना फिर मरना, इस साइकिल से फ्री होना है, तो ये हाईएस्ट गोल था, या ये हाईएस्ट गोल होना चाहिए पर्सन की लाइफ का। उन्होंने रिजेक्ट करा जो अथॉरिटी वेदास की, यानी कि उन्होंने उसको नहीं माना, इन्होंने इग्नोर किया एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को और अपोज किए जितने भी रिलीजियस होते थे राइट्स एंड रिचुअल्स, जो भी क्या होते थे उनके रिचुअल्स होते थे, रीति रिवाज होते थे। जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी का इन्होंने इस पे जोर दिया, दोनों धर्म ने, जैनिज्म और बुद्धिज्म ने भी। दे अपहेल्ड मॉरल एंड इथिकल वैल्यूज, उन्होंने मॉरल और इथिकल वैल्यूज को ज्यादा वैल्यू दी और कंसेप्ट अहिंसा का यानी कि नॉन वायलेंस का। दे प्रेजेंट द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल थे यानी कि जो लोगों की लैंग्वेज थी, यानी कि प्राकृत लैंग्वेज और दूसरी थी पाली, इसी में उन्होंने अपने उपदेश दिए। ये दोनों जो रिलीजन थे उनको किसने बाद में अडॉप्ट किया, मौर्यन रूलर्स ने। अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं, जो बुद्ध थे वो फाउंडर थे बुद्धिज्म के, जैनिज्म वाज नॉट फाउंडेड बाय महावीरा, जो जैनिज्म है उसको फाउंड नहीं किया था महावीरा, ये दो तीर्थंकर थे 24th, और इनसे पहले जो थे तीर्थंकर आए उन्होंने फाउंड किया था, तो जो बुद्ध है उन्होंने तो फाउंड किया है बुद्धिज्म को, और जो महावीरा है वो 24th थे और लास्ट तीर्थंकर थे जैन के। जैनिज्म फॉलो करता है पाथ किसका, एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी का और फिजिकल सफरिंग का, जो इंक्लूड करता है डेथ बाय स्टारवेशन। और जैनिज्म कैसा पाथ स्टूडेंट, एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी का मतलब होता है स्ट्रिक्टली लाइफ में, लाइफ सिंपल जीना और ये वर्ल्डली डिजायर से अलग हो जाना। जो बुद्धिज्म में फॉलो करता है मिडिल पाथ, वो रिजेक्ट करता है सेवियर पेनेंस को और फिजिकल सेल्फ टॉर्चर को, यानी कि अपने को टॉर्चर नहीं करना है, और सेवियर पेनेंस को यानी कि ये जो वर्ल्डली डिजायर है इसको, इससे हटना है। जो जैन है वो प्रैक्टिस करते थे एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा को, जो मना करता है प्लांट को भी नहीं मानना है, इंसेक्ट को भी नहीं है, जम्स को भी नहीं। जो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है वो लिमिटेड था केवल नॉन वायलेंस तक, किसके टूवर्ड्स ह्यूमन बींग्स के, उसमें जो अहिंसा होगी ठीक है तो वो वहीं तक लिमिटेड था, और एनिमल्स के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए, यानी कि सही से रहना चाहिए, हमें उनको हार्म नहीं पहुंचाना है। जो बुद्धिस्ट है वो एग्री नहीं करते थे जैन के व्यू से। जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि स्टोन वुड एटसेट्रा हैव लाइफ, तो वो एग्री नहीं करते थे, जैसे कि जो जैन का व्यू था वो मानते थे कि जो स्टोन वुड है उनमें भी लाइफ है। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये जो चैप्टर है जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट क्लासिक्स हिस्ट्री का अच्छे समझ में आया है, तो लाइक करना ना भूले वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।